कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर ओर भय और दहशत है। लोग सोच रहे हैं कि कहीं कल हमारी बारी तो नहीं। मैं आज बता दूं कि बचेगा वही, जी हाँ, मैं बताऊंगा कि कौन बच सकता है। और आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किशोर स्वर्ण की सच्ची बात, ये जानने के लिए कि कोरोना से कौन बच सकता है। मैं हूं किशोर स्वर्ण सरानी, किशोर स्वर्ण सच्ची बात पर आपका स्वागत है। मैं आज बता दूं आपको कि जो कोरोना वायरस इतनी गंभीर समस्या पूरे देश भर में चल रही है और हर ओर यही खबर आ रही है कि आज वहां पर इतने संक्रमित पड़े, वहां पर इतनी मृत्यु हुई और इस तरीके से हर कोई डर रहा है। और इसके लिए भारत सरकार ने कई दिशा निर्देश दिए हैं, गाइडलाइंस दिए हैं कि हमें किस तरीके से इस कोरोना वायरस से बचाव करना है। जहां हमें 2 गज की दूरी बनानी है, वहीं भीड़ भाड़ में जाने से भी बचना है और मास्क का प्रयोग करना है, साथ में सैनिटाइज का भी प्रयोग करना है और जितना हो सके अपने आप को भीड़ से बचाए रखना है। लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो इससे भी अलग है। वर्तमान माहौल की अगर बात की जाए तो कबीरदास जी ने इस संदर्भ में बहुत अच्छी बात कही है कि चालती चाकी देख कर कबीरा दिया रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये जो पूरा संसार है इसमें सभी जो हैं पिसते चले जा रहे हैं। अलग अलग वजह हो सकती हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे संसार में सभी जन्म और मृत्यु के पाटों के बीच में पूरी तरीके से पिस रहे हैं। अब ऐसे में जब ये दोहा कबीरदास जी ने लिखा तो उनके पुत्र कमाल जी ने भी कमाल की लाइन लिखी, या यूं कह सकते हैं कि बहुत अच्छा एक सुंदर सा जवाब भी दिया। और वो जवाब कितना अच्छा है कि चालती चाकी देख कर दिया कमाल ठाए, कीले से जो लग रहा सोई रहा बचाए। यानी कि इस पूरी चलती चक्की में सिर्फ वही बच पा रहा है जो दाना कीली से चिपक जाता है, और इस तरीके से वही दाना सेफ और सुरक्षित रहता है जो चक्की की कील जो बीच की होती है उसके साथ जो दाना चिपका हुआ होता है वही बच पाता है, और बाकी जो बीच में दाने होते हैं चक्की के बीच में वो सब पिस जाते हैं। इसी तरीके से इस पूरे भवसागर में, इस संसार में जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी कोई कारण हैं, तो उसमें जो मृत्यु दर बढ़ रही है, सभी को एक दिन जाना है। जो शरीर लेके आया है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। तो किसी भी प्रकार से हम सोचें कि चाहे हम धन एकत्रित कर लें या पर कोई मुकाम हासिल कर लें, नाम अर्जित कर लें, जो आए हैं सो जाएंगे। इसलिए इस बात की तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी कि कल हमारा नंबर है। ये ठीक है कि हम जाएंगे, लेकिन क्यों ना हम भी प्रभु भक्त बनकर इस प्रभु परमपिता परमात्मा को ही पुकारें, जो कि हम सबका सहारा है, हम सबका एकमात्र आधार है। तो इसलिए इस पूरी चक्की में जो भी हम देख रहे हैं इसमें सिर्फ वही दाना बच रहा है जो कीली के साथ चिपका हुआ है, जो कीली के साथ अटैचमेंट है। इसलिए आओ हम इस कीली यानी परमपिता परमात्मा स्थिर रहने वाली सत्ता के साथ जुड़ जाएं और अपने जीवन को बचाएं। तो इस तरीके से जो कीली के साथ चिपक जाता है, यानी कि जो स्तंभ का सहारा ले लेता है, जो संसार की जो मूल आधार है यानी परमपिता परमेश्वर का सहारा कर लेता है, उसको थाम लेता है, उसको पकड़ लेता है, तो वही बच जाता है, वरना दो पार्टों में तो सबका पिसना तय है। इसलिए हम सिर्फ प्रभु परमपिता परमात्मा के साथ जुड़े रहें और प्रभु की ही भक्ति करते रहें, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन रह नहीं जाता। भक्त के हिस्से में सिर्फ प्रार्थना है। हम प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु के आगे, सारे संसार के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। जुड़े रहें प्रभु के साथ और बेफिक्र रहें, कोई चिंता ना करें, कोई टेंशन ना लें, बस इतना ध्यान रखें कि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, इसके लिए सोशल डिस्टेंस जरूरी है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, भीड़ ना करें। बहुत जरूरी हो
तभी बाहर निकले। मास्क लगाए रखें और दूरियां बनाए रखें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किशोर स्वर्ण की सच्ची बात।